गुड मॉर्निंग क्लास वन, आज हम आप लोगों को ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में पार्ट 11 मतलब लेसन 11 वचन पढ़ाएंगे। नंबर क्या पढ़ेंगे हम लोग? वचन। ठीक, आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना? पिक्चर देख रहे हैं बेटा? व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या वचन कहलाती है। वचन किसे कहते हैं? व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या वचन कहलाती है। यह संख्या या तो एक होती है अथवा एक से अधिक होती है। एक या एक से अधिक को वचन कहते हैं। अब देखिए, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक बॉयज एक गर्ल्स है ना, दोनों बात में आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब वार्तालाप कर रहे हैं। क्या है? लड़का क्या कह रहा है? क्या तुम्हें पता है वचन किसे कहते? लड़का किसे कह रहा है? लड़की से क्वेश्चन कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन मार्क भी लगाए ना, तो उससे पूछ, किसी बात को पूछा जाता है वो क्वेश्चन हो जाता है ना। क्या तुम्हें पता है वचन किसे कहते हैं? तभी लड़की आंसर दे रही है, हाँ, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या में एक या एक से अधिक होना व्याकरण में वचन कहलाता है। वचन क्या कहलाता है? संज्ञा या सर्वनाम का संख्या में एक या एक से अधिक होना व्याकरण में वचन कहलाता है। आप देखिए, लिखा है निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, मतलब इनको ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है। ये अनार बनाए ना, ये कई अनार है, एक अनार है, तो यहाँ लिखा है एक अनार, और ये कई अनार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखा है चार अनार, तो ये एक हो गया, ये क्या हो गए? अनेक हो गए। ये एक वचन हो गया, और ये क्या हो गए? बहुवचन हो गए। ये ताला बना है, एक ताला है ना, तो यहाँ लिखा है एक ताला, और ये 1 2 3 मतलब 1 2 3, 3 डाले हैं, तो यहाँ लिखा है 3 ताले। ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया, अनेक हो गए। ठीक, छात्रों को एक या अनेक नामों के विषय में बताएं, उन्हें आसपास की वस्तुएं गिनवाकर समझाएं कि एक या अनेक किसे कहते हैं। जैसे आपके पास एक बुक है, मान लीजिए मेरे पास एक पेन है ना, तो ये एक पेन कहा जाएगा? अगर इसी के साथ कई पेन हो जाएंगे तो क्या कहेंगे? अनेक। जितने पेन होंगे उतनी गिनती बता देंगे और लिख देंगे अनेक। ठीक, आप देखिए पेज नंबर है 47 है ना, ये एक लड़का बना है ना, तो यहाँ लिखा है एक लड़का, ये कई लड़के बने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखा है चार लड़के, तो ये हो गया एक वचन, ये हुआ बहुवचन। इसको एक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अनेक कहेंगे। ठीक, ये कछुआ है, एक कछुआ है, तो यहाँ लिखा है एक कछुआ, यहाँ 1 2 3, 1 2 3, 3 कछुए, तो यहाँ लिखा है 3 कछुए, तो ये एक वचन बहुवचन, एक अनेक, एक से ज़्यादा हो गए तो बहुवचन हो गया, और अनेक कई भी कहेंगे। ये क्या चाबी है? एक चाबी है, देख रहे ना आप पिक्चर, एक चाबी है, तो यहाँ लिखा है एक चाबी, और यहाँ देखिए बहुत सारी चाबियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो आप इतना 13 गिने, तो यहाँ लिखा है अनेक चाबियाँ, मतलब बहुत सारी, एक से ज़्यादा तो हो गई, अनेक मतलब बहुवचन हो गया। ये देखिए पुस्तक एक है, पुस्तक में किताब बुक, तो यहाँ लिखा है एक पुस्तक, और यहाँ 1 2 3, 1 2 3, 3 पुस्तकें, तो यहाँ लिखा है 3 पुस्तकें। ठीक, अब देखिए एक मछली बनी है, फिश है ना, मछली से है, तो यहाँ लिखा है एक मछली, तो क्या ये एक वचन है ना, और यहाँ 1 2 3, 1 2 3, तो क्या लिखा है? 3 मछलियाँ, अनेक भी हो सकती, 3 एक से ज़्यादा तो अनेक हो गई ना, 3 मछली, ये एक वचन है, ये क्या है? बहुवचन है। समझ में आया बेटा? आप देखिए हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, माला, कली आदि, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, मालाएं, कलियां। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट, इन्हें भी पढ़िए व समझिए, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। पहले हम लोग इधर का पढ़ते हैं, एक वचन में क्या है? पुस्तक, पुस्तके बहुवचन, बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन, कुर्सी एक वचन और कुर्सियाँ बहुवचन, ऐसे ही दरवाजा
दरवाजे, टोपी टोपियाँ, कलम कलमे, मतलब बहुत सारी कलम बहुवचन हो गई, लता लताएं, तितली तितलियाँ, चीटी चीटियाँ, चीटी एक वचन और चीटियाँ बहुवचन। अब इधर देखिए ऐसे कॉलम बनाए ना, एक वचन बहुवचन, गाय एक वचन है और गाय मतलब एक से ज़्यादा गाय हैं बहुत सारी, वो क्या है बहुवचन। घोड़ा एक वचन, घोड़े बहुवचन क्योंकि बहुत सारे घोड़े एक से ज़्यादा हैं। चौकी एक वचन और चौकियाँ बहुवचन। खिड़की खिड़कियाँ, लड़की लड़कियाँ, ऋतु ऋतुएँ, स्त्री स्त्रियाँ, कार कारें, जूता एक वचन, जूते बहुवचन। अब देखिए एक वचन कमरा, बहुवचन कमरे, पौधा क्या है एक वचन है ना, और पौधे बहुवचन है। आँख एक वचन, आँखें बहुवचन, खिलौना एक वचन, खिलौने बहुवचन। अभ्यास का एक्सरसाइज का नंबर, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखें, ये शब्द लिखें इनके हमको वचन बताना है, ये कौन से वचन। देवी एक वचन, अगर देवियाँ होता तब बहुवचन होता ना, क्योंकि देवी एक देवी है तो क्या है एक वचन है। और टोपियाँ बहुवचन, क्योंकि अगर टोपी होता बेटे तब एक वचन होता, क्योंकि टोपियाँ है मतलब एक से ज़्यादा टोपियाँ बहुत सारी, तो ये क्या है बहुवचन। तोते बहुवचन, घोड़ा एक वचन, वस्तुएँ बहुवचन, कमरा एक वचन। सेवन कलम एक वचन, पौधे बहुवचन, क्योंकि पौधा होता तो एक वचन होता ना बेटा, पौधे मतलब बहुत सारे पेड़ हैं पौधे हैं तो बहुवचन। खिड़की एक वचन, खिलौने बहुवचन। ख नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर उपयुक्त वाक्य स्थानों पर लिखना। ये देखिए इसमें एक वचन बहु, इसी में से हमको छांटना है कौन से एक वचन कौन से, एक वचन के कॉलम में एक वचन लिखना है, बहुवचन में बहुवचन। दरवाजा एक वचन पहले लिखते हैं हम लोग, दरवाजा, चाबी, कटोरी, उंगली, थाली। एक बार मैं फिर बोल रही हूँ, लिखिए इसमें टिक लगा दीजिए फिर भर लीजिए। दरवाजा एक वचन बोल रहे हैं बेटे, दरवाजा, चाबी चाबी, कटोरी, उंगली, थाली। अब आइए बहुवचन, गन्ने, चादरें, पुस्तकें, रुपए, चिड़िया। ये बार बहुवचन फिर बोलती हूँ मैं बेटे, लिखिए आप, पहले यहाँ टिक लगा लीजिए फिर आप लिख लीजिए। गन्ने, चादरें, पुस्तकें, रुपए, चिड़िया। स्टूडेंट ये आपका होमवर्क है ना, मैं बता दे रही हूँ आपको वैसे ही करना है। आपके घर में जो वस्तुएं हैं उनमें से कौन सी एक है और कौन सी अनेक है, उनकी सूची बनाकर लिखिए तालिका पूर्ण। अब आप जब बैठिएगा अपनी मम्मा से पूछे, मम्मी बताइए, जैसे आपके घर में टीवी एक है तो आप लिख देंगे टीवी, यहाँ लिखे एक वस्तु की सूची में। गैस चूल्हा एक है तो लिख देंगे गैस, या बेड मान लीजिए, गाड़ी कार या बाइक कोई एक है उसको लिख देंगे। अनेक में जो चीज़ें होंगी, जैसे बर्तन बहुत सारे होते हैं, बिस्तर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत, तो आपके मामा बता देंगे आपको एक अनेक। ये आपका होमवर्क है, पेंसिल से आपको कंप्लीट करना है बेटा, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बुक रीडिंग की, पढ़ा, एक्सरसाइज की, अब हम लोग पार्ट 11 के वचन पाठ के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसको आप PDF से निकाल के ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करेंगे और कॉपी चेक कराएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, वचन किसे कहते हैं। आंसर, एक या एक से अधिक होना व्याकरण में वचन कहलाता है। एक बार फिर मैं बोलती हूँ क्वेश्चन, वचन किसे कहते हैं। आंसर, एक या एक से अधिक होना व्याकरण में वचन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वचन के प्रकार बताइए। आंसर, वचन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एक वचन और नंबर 2 बहुवचन। एक बार हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, वचन के प्रकार बताइए। आंसर, वचन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। समझ में आया,
देखिए स्टूडेंट, आपको बुक रीडिंग करनी है, बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, और कॉपी कंप्लीट करके कॉपी चेक करवाएंगे स्कूल में लाके, और आपसे मैं क्वेश्चन आंसर सुनिए, आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू क्लास।